साहब ने बात किया। और दूसरे दिन कविता आज के समय में इस विषय पर एक विचार गोष्ठी संपन्न हुई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बिलासपुर से हम संस्कार धानी भी कहते हैं, यहाँ साहित्य प्रतिभाएँ बहुत हैं और उन्होंने सिर्फ जरा से आग्रह पर इस सारे कार्यक्रमों में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उसमें भाग लिया और एक साहित्य संगम यहाँ पर हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य से साहित्यकार और समाज के लोग जुड़े होते हैं, उसकी जांच पड़ताल करना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इस संबंध में बातचीत करते रहना बहुत ज़रूरी है। साहित्य समाज के साथ जब तक जुड़ा रहता है तब तक वो जीवन है, इसीलिए सामाजिक रूप से लोगों के साथ बातचीत करना, मिलना और वरिष्ठ साहित्यकारों को बुलाकर एक बातचीत करना, इससे कि बहुत अच्छे साहित्य की दिशा में हम लोग जाएँ, इसका एक प्रयास था ये। और मैं बिलासपुर के सभी साहित्यकारों का, बाहर से हुए आए हुए वरिष्ठ साहित्यकारों का, जो दिल्ली से, भोपाल से, खरगोन से और आपके खंडवा से, रायपुर से, जगदलपुर और मतलब मेरा ख्याल है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और बाहर से भी लोग आए और उन्होंने इस कार्यक्रम में यहाँ पर जो अपने कहना चाहिए अनुभवों को बांटा है, अपनी बातचीत को यहाँ शेयर किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और बिलासपुर संभाग के यहाँ पर जो नामी ग्रामीण साहित्यकार जुटे और स्थानीय साहित्यकार, उन सबके लिए आयोजन बहुत लाभपूर्ण साबित हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य भी ऐसे आयोजन होंगे तो यहाँ के लिए बहुत उपयोग।